आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम ऑप्टिक्स की नई क्लास लेकर आए हैं, पार्ट नंबर 19। ठीक है, इसके अंदर अपन कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद आपका एक नया पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, उसके बाद एक नया पार्ट एबरेशन, वर्ण विपतन क्या होता है, गोली विपतन क्या होता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो आपका रिलेटेड करता है, जो मैंने आपको 6 बिंदु बताए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड फोकल पॉइंट, ठीक है, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट। अच्छे से देखना, सारी थ्योरी मैंने बता रखी विद डायग्राम के अंदर प्लॉट करके बता रखा कहाँ पर क्या आ रहा है, और फर्स्ट एंड सेकंड नोडल पॉइंट। ठीक है, ये 6 के 6 पॉइंट बता रखे अपन ने। जब दो लेंस एक ही अक्ष पर रखे हो तो उन दो लेंस की तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला F1 + F2 ये आया था, कौन F1 + F2 - D। ठीक है ना, शायद ऊपर F1 F2 था, F1 × F2, ठीक है, F1 × F2 अपॉन F1 + F2 - D। आज अपन यहाँ इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि वायु में रखे एक समाक्ष लेंस निकाय में दो लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः फोकल लेंथ दे रखी है आपको क्रमशः 3f तथा f है, 3f तथा f है, दो लेंस है, उनकी फोकल पॉइंट क्या दे रखी है आपको, एक की तो 3f है और एक की क्या है, f है। तो प्रधान बिंदु की इनके मध्य की दूरी 2f है, इनके मध्य की दूरी, दोनों लेंस हो गए ना, इनके मध्य की दूरी 2f है, तो तुल्य फोकस दूरी व प्रधान बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करो। ठीक है, तुल्य फोकस दूरी व प्रधान बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं। यस, क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से, फिर इसमें अपने को क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, हर एक चीज़ को आप अच्छे से देखिए। ठीक है, कि अपने को निकालनी है कि वायु में रखे एक समाक्ष लेंस, मतलब दो लेंस एक साथ रखे हुए एक ही अक्ष पर, उसमें दो लेंसों की फोकस दूरी आपको दे रखी 3f और 2f। अपन जैसे जानते हैं प्रश्नानुसार क्या क्या चीज़ गिवन है आपको, जो पहली फोकस दूरी आपको कितनी दे रखी है, पहली फोकस दूरी आपको दे रखी 3f, ठीक है, और दूसरी फोकस दूरी आपको कितनी है, f, ठीक है, और इनके मध्य की दूरी, मध्य की दूरी को अपन कैसे बताते हैं, स्मॉल डी से, पता आपको, अपन इनके मध्य की दूरी स्मॉल डी से बताते हैं, वो आपको कितनी देर की है, 2f, इनके मध्य की दूरी 2f हो तो तुल्य फोकस दूरी, सबसे पहले अपन निकालेंगे तुल्य फोकस दूरी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते। चलो आइए, तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है, अपन ने पढ़ रखा है, F1 × F2 / F1 + F2 - D, क्लियर, ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पीछे बता रखा है। मान रखिए आप F1 × F2, F1 का मान कितना आपके पास, 3f × F, ठीक है, 3f × F ये रख दिया अपन ने मान, ठीक, उसके बाद F1 + F2, 3f + F - 2f, ठीक है। तो चलो आइए इसको आप सोल्व कीजिए, तो f बराबर अपने पास हो जाएगा 3f² ऊपर, तो कितना हो जाएगा 3f² अपॉन, नीचे देखिए आप 3f और 4f में से 2f गया तो 2f, ठीक है, तो फाइनली एक आंसर आ गया, आप एक f से आपका f कट गया 3/2f। कोई दिक्कत हो तो बताइए यहाँ तक कि तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी आपके पास, F = 3/2f, एक आंसर ये हो गया आपके। ठीक है, अब अपने को निकालना है इसमें प्रधान बिंदु की स्थिति,
तो चलो भाई अपन डायग्राम देखते जाएंगे और इनके अपन प्रधान बिंदु की स्थिति निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है, चलो आइए इसको मिटा दे अपन। एक आंसर हो गया अपने पास। पहले अपन मुख्य बिंदु निकालेंगे। सबसे पहला आपका फॉर्मूला हो जाएगा प्रथम मुख्य बिंदु की स्थिति, प्रथम मुख्य बिंदु की स्थिति। यह भी फॉर्मूला मैंने आपको इसी के अंदर बता रखा है। प्रथम मुख्य बिंदु की स्थिति जिसको मैं लिखूंगा अल्फा वन बराबर डी इंटू एफ अपॉन एफ टू, लिखा रखा मैंने आपको फॉर्मूला, क्योंकि दो लेंस आपको जनरली एग्जाम डायग्राम समझिए आप, दो लेंस ऐसे, ठीक है। इनके मध्य अपन ने एक तीसरा लेंस बना दिया ऐसे, जो इनकी तुल्य फोकस दूरी को मेजर करता है। तो इसका मतलब प्रथम बिंदु होगा इस प्रथम लेंस का इधर होगा प्लस में होगा, और द्वितीय बिंदु होगा इस वाले लेंस से इधर, तो वो क्या होगा आपका माइनस में होगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। तो डी इंटू एफ अपॉन एफ टू, मान रखिए आपके पास सभी का मान पता है, डी कितना दे रखा आपको टू एफ, ठीक है, इंटू एफ तुल्य फोकस दूरी 3/2f अपॉन एफ टू, एफ टू दूसरी फोकस दूरी कितनी दे रही है आपको f, एफ टू आपको दूसरी फोकस दूरी दे रही है 3/2f, कैपिटल f आया है ना, ये मान अपन सही लिखेंगे। ये तो था आपके पास 2f इंटू 3/2f अपॉन f, ठीक है। तो आपका 2 से 2 कट गया और फाइनली प्रथम मुख्य बिंदु की स्थिति कितनी होगी अल्फा 1 बराबर 3f, अल्फा 1 बराबर कितना हो गया 3f, यानी प्रथम मुख्य बिंदु पहले लेंस के दाहिनी ओर। इसका मतलब क्या हो गया, प्रथम मुख्य बिंदु पहले लेंस के, प्रथम मुख्य बिंदु पहले लेंस के दाहिनी ओर, राइट हैंड साइड में ना, पहले लेंस के राइट हैंड साइड में 3f दूरी पर स्थित है, क्लियर। ये होगा राइट हैंड साइड में कितनी दूरी पर है, 3f दूरी पर स्थित है। तो चलो आइए अपन इसको डायग्राम के अंदर प्लॉट करेंगे। दो लेंस बनाते हैं अपन ऐसे, ओके, ये आपका पहला लेंस हो गया, ठीक, और ये हो गया आपका दूसरा लेंस। अब देखते जाइए आप कैसे अपन डायग्राम के अंदर प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के मध्य की दूरी आपको कितनी दे रही पता है 2f, ये O1 इसका प्रकाशित केंद्र हो गया लेंस L1 पहला, ठीक है, O2 इसका प्रकाशित केंद्र लेंस L2 आपका। तो इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है पता है अपने को 2f, तो इसका मतलब प्रथम मुख्य बिंदु इसके जस्ट आगे ही होगा। भाई आपको जो तुल्य फोकस दूरी निकालनी है वो हमेशा क्या होगा आगे की तरफ होगा। तो ये हो गया आपका, अपन मान सकते हैं यहाँ पर इस जगह प्रथम मुख्य बिंदु होगा P1, जो आपका कितनी दूरी पर होगा 3f दूरी पर, समझ में आ गया। प्रथम मुख्य बिंदु के अपन क्या बोलते हैं P1, अल्फा 1 बराबर P1, ठीक है। यानी प्रथम मुख्य बिंदु अपने पास फॉर्मूला था, मैंने आपको अभी जो मैंने आपको कराया था ना तुल्य फोकस दूरी वाला, उसी के अंदर मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए थे। फॉर्मूला सेम ऐसा कैसे ही था, अल्फा 2 आपका माइनस में हो जाता है। तो अपने वैल्यू पुट की तो अल्फा 1 बराबर पी वन, पी वन यानी 3f, यानी प्रथम मुख्य बिंदु पहले लेंस के आर एच एस में यानी राइट हैंड साइड में 3f दूरी पर स्थित होगा। अब अपने को पता है कि दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी देगी 2f, तो इसका मतलब जस्ट आगे ही होगा, रिजल्ट क्लियर। इससे जस्ट क्या होगा आगे होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। एक चीज़ और आप ध्यान से देखिएगा, वो ये है कि आपकी प्रथम फोकस दूरी है 3/2f, ठीक है ना। प्रथम फोकस दूरी कितनी दे रही है आपको 3/2f, तो अपन इसको कैसे बता सकते हैं 3/2 का मतलब क्या हो गया 1.5, मतलब अपन ऐसे बता सकते हैं 1.5 का मतलब पहला लेंस से इधर होगा, तो अपन मान लें यहाँ पर ऐसे मान सकते हैं अपन, यहाँ से ये यह हो गया आपके पास 3/2f प्रथम फोकस दूरी, ठीक है, ये हो गया आपका एफ वन, क्लियर, समझ में आ गया 3/2 है पहले लेंस से प्रथम फोकस दूरी ये होगी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे लेंस से इधर की तरफ हो जाएगी F2, जो F दूरी पर स्थित है, ये आपके पास F2 हो जाती है। F2 कितनी दूरी पर हो जाएगी F दूरी पर स्थित हो जाएगी। आगे चलिए आप, मतलब इसका मतलब 3/2f यहाँ तक है, तो आगे भी 3/2f होगा,
होगा नहीं होगा, आगे भी 3/2f होगा, मतलब डेड और डेड पूरा तीन हुआ नहीं हुआ, ऐसा अपन बता सकते हैं डायग्राम में। समझ में आ रहा है डायग्राम में ऐसे, मतलब पहली फोकस दूरी 3/2f और मतलब अपन मान सकते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल 2f है, इसका मतलब अपन यहाँ मान लेंगे यहाँ f1 होगा, डेढ़ दूरी पर होगा, और इसका मतलब अब ये डेढ़ हो गया, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक बचा हुआ पार्ट भी कितना होगा, 3/2f भी होगा। आगे चलिए दूसरा निकालते अपन, दूसरा पॉइंट हो जाएगा अपने पास द्वितीय मुख्य बिंदु की स्थिति, द्वितीय मुख्य बिंदु की स्थिति अल्फा 2 बराबर पी 2 एक ही बात, और ये होगा आपका माइनस में क्योंकि ये इधर होता है, माइनस कितना हो जाएगा आपके पास डी इंटू तुल्य फोकस दूरी अपॉन अब आ जाएगा f1 प्रथम फोकस दूरी के अनुसार, तो डी आपके पास कितना है, डी है आपके पास 2f इंटू 3/2f अपॉन 3f, प्रथम फोकस दूरी कितनी है आपके पास, दो लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 3f तथा f है, अच्छा 3f है, प्रथम फोकस दूरी आपके पास कितनी है 3f है, अपॉन में 3f, ओके तो 2 से 2 कट गया, f से आपका f कट गया, तो आपके पास अल्फा 2 बराबर पी 2 कितनी हो गई आपके पास एफ हो जाएगी ना, 3 से 3 भी कट जाएगा, माइनस की एफ यानी इधर बनेगी आपको माइनस एफ, अल्फा 2 बराबर पी 2 बराबर माइनस एफ। अब आप चाहो तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि द्वितीय फोकस बिंदु लेंस से बाईं ओर एफ दूरी पर होगा, द्वितीय मुख्य बिंदु लेंस L2 से लेफ्ट हैंड साइड में ना दाई ओर लेफ्ट हैंड साइड में F दूरी पर होगा, ठीक है। चलो आइए इसको अपन प्लॉट करते हैं, ये रहा इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड में, भाई अपने को यहाँ से यहाँ तक 2f है, इसका मतलब सेंटर में आ जाएगा ये, यहाँ पर आपका P2 आ गया जो कितनी दूरी पर है F दूरी पर है। उम्मीद करूंगा दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया हो, प्रथम मुख्य बिंदु लेंस से दाई ओर 3f दूरी पर स्थित वो रहा, और दूसरा मुख्य बिंदु इस लेंस से बाई ओर f दूरी पर स्थित, यहाँ से यहाँ तक ये P2 हो गया, ठीक है। अब अपन निकालेंगे प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी आपकी क्या होती है, देखिए O1F1, प्रथम फोकस दूरी का मतलब ही क्या होता है O1F1, यही है ना, ये कैसे ही अपन निकालते हैं इसको, अपन O1F1 हो गए, दोनों मुख्य बिंदु हो गए, अब अपन निकालते हैं प्रथम फोकस दूरी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, इसलिए ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अपन निकालेंगे प्रथम फोकस दूरी जिसको अपन बोलेंगे O1, अच्छा इसको F1 ही देना अपने को ना, F1 और कैपिटल ही रखना है इसको ना F2, O1 F1 बराबर F1, भाई प्रथम फोकस दूरी कितनी दूरी पर है, तो अपन इसको निकाल सकते हैं O1 F1, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, तो सोल्व कीजिए, O1 F1 निकालना है ना, तो O1 F1 निकालने का मतलब हो गया आपके पास O1 P1 3f - 3f/2 O1 F1 निकालना है ना, तो अपन निकाल सकते हैं O1 P1 में से माइनस करेंगे, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ठीक है ये पूरा मान अपन ले रहे हैं, ठीक है इसमें से अपन माइनस कर लेंगे F1 P2 - F1 P2, ठीक है तो O1 F1 आ जाएगा, तो F1 बराबर 3f - F1 P2 का मान भी कितना है 3/2f, तो यानी कितना हो गया 3/2f, प्रथम फोकस दूरी कितनी होगी 3/2f, O1 F1 कर रखा अपन ने 3/2f, ठीक है अपने को ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, यहाँ से यहाँ तक 3/2f होगी। इसी प्रकार दूसरी फोकस दूरी क्या हो जाएगी आपकी, द्वितीय फोकस दूरी वो होती है आपकी O2 F2, ठीक है O2 से F2 तक निकालना, तो अपन कैसे निकाल सकते हैं O2 F2, तो अपन ने माइनस कर दिया P2 F2 - O2 P2, ठीक है अब ध्यान से देखिएगा O2
ओ टू एफ टू निकालना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी। तो अपन ने देखा कि P2 F2 में से अपन ने माइनस कर दिया O2 P2, ठीक है। तो अब अपने को पता है ये हो जाएगी आपकी F2 बराबर P2 F2, यहाँ से यहाँ तक कितना आपके पास P2 F2 तक, ये हो गया आपके पास 3 बाई टू एफ माइनस एफ, तो यानी ये गया तो आपके पास कितना हो जाएगा F/2 आंसर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी F/2, बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट देखिए और पॉइंट टू पॉइंट देखने पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो उम्मीद करूँगा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। अब ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रिलेटेड आप एक दो क्वेश्चन और बनाइए और इसे सोल्व कीजिए। अब अपन एक नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका सेकंड चैप्टर कहलाएगा, यहाँ पर एबरेशन, एबरेशन से रिलेटेड, एबरेशन यानी विपतन, एबरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, विपतन, मतलब एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारे इमेज बनना, यानी इमेज के अंदर त्रुटि आना, इमेज के अंदर क्या आना, त्रुटि आना, वो कहलाती है आपकी विपतन कहलाती है। अब अपन इसको पढ़ेंगे एकवर्णी विपतन और वर्णकारी विपतन। चलो मैं आपको डेफिनेशन लिखाऊंगा उससे आपको समझ में आएगा। तो ये आपका बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एबरेशन। चलो आइए, नेक्स्ट विपतन जिसको अपन बोलेंगे एबरेशन, विपतन इंग्लिश में बोलेंगे अपन इसको एबरेशन, एबरेशन है ना, इमेज के अंदर त्रुटि आना, विपतन जिसको अपन क्या बोलेंगे एबरेशन, इमेज के अंदर क्या आना, त्रुटि आना। तो अपन लिखेंगे इसमें कि कुछ कारणों से हल्की सी डेफिनेशन है इसकी, कुछ कारणों से यानी कुछ रीजन से, बस आपको भी यही समझना, मतलब इससे इसके बड़े बड़े अपन इसको अपने को इसमें गहराई तक घुसना है। लेकिन स्टार्टिंग ऐसे होगी कि एबरेशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज सही से नहीं बन जाना, मतलब प्रतिबिंब के अंदर त्रुटि आना, वो कहलाती है आपका विपतन कहलाएगा। तो अपन इसको पढ़ेंगे कि कुछ कारणों से इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट के यानी बिंब के, कुछ कारणों से इमेज बिंब के वास्तविक स्वरूप के समान नहीं बनता है, वास्तविक स्वरूप के समान, वास्तविक स्वरूप के समान नहीं बनता है, ठीक है। कुछ कारणों से इमेज ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बन पाएगा, वास्तविक स्वरूप के समान नहीं बनता है, तो वास्तविक लेसु से प्राप्त प्रतिबिंब में दोषों को, वास्तविक लेंसु से प्राप्त, थोड़ी थ्योरिटिकल चलेगी फिर उसके बाद अपन फॉर्मूला पर पहुंचेंगे, लेकिन थ्योरी भी बहुत लेन दी है, मैं आपको वही पॉइंट लिखाऊंगा जो आपको यहां पर यूज करना है। तो वास्तविक लेंसु से प्राप्त, वास्तविक लेंसु से प्राप्त प्रतिबिंबों में दोषों को, प्रतिबिंबों में दोषों को, दोष जो आएगा उसको अपन विपतन कहेंगे, को विपतन कहते हैं। कुछ एरर रहेगा, एरर रहेगा, वो एरर आपके कहलाएगा विपतन कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के अनुसार नहीं बन पाएगा तो इसके कारण इमेज के अंदर क्या पाई जाएगी, त्रुटि पाई जाएगी। अब ये दो प्रकार से हो सकता है, लेंस द्वारा उत्पन्न विपतन दो प्रकार के होते हैं, आगे आप लिखोगे लेंस द्वारा उत्पन्न विपतन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक वर्णी और वर्णक्रमी विपतन पढ़ेंगे। तो पहला है आपका एक वर्णी विपतन, मोनोक्रोमेटिक एबरेशन, एक वर्णी विपतन, ये एक साथ है ना, एक वर्णी विपतन यानी मोनोक्रोमेटिक एबरेशन,
ठीक है। पहला क्या हो गया आपका, दो प्रकार पढ़ेंगे अपन, एक तो एक वर्णी व्युत्क्रम, एक अपन पढ़ेंगे वर्णक्रमी व्युत्पन्न, जिसमें एक वर्ण का प्रकाश उत्पन्न करेंगे और इमेज में त्रुटि पाई जाएगी और वर्णक्रम में बहुत सारे एक साथ त्रुटि पाई जाना, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया आपका एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक एबरेशन। तो इसमें अपन लिखेंगे यदि एक वर्णी, यदि एक वर्णी, एक वर्णी प्रकाश का उपयोग किया जाए तो एक वर्णी प्रकाश का उपयोग किया जाए तो एक वर्णी है ना मोनोक्रोमेटिक। अगर अपन लाइट यहाँ पर कौन सी ले, मोनोक्रोमेटिक ले। यदि एक वर्णी प्रकाश का उपयोग किया जाए तो भी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब में किया जाए तो भी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब में तो भी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब में कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं, कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। ये आपकी परिभाषा होगी एक वर्णी विपतन की। दो प्रकार के होंगे विपतन, पहला हो गया आपका मोनोक्रोमेटिक विपतन, मतलब अगर आप एक वर्णी प्रकाश का करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, कई प्रकार के विपतन उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे अब इसके अंदर अपन देखेंगे जैसे कर, पहला पॉइंट परिशुद्धता की कमी, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका स्पष्ट नहीं आएगा, ले को प्रेशर, फर्स्ट पॉइंट इसका है ना, इसका अपन फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। समझ में आ गया, एबरेशन पढ़ रहे हैं। एबरेशन के अंदर दो पार्ट होते हैं एबरेशन का, पहला हो गया मोनोक्रोमेटिक एबरेशन। मोनोक्रोमेटिक का मतलब यदि एक वर्णी प्रकाश का उपयोग किया जाए तो भी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब में जो भी इमेज बनेगा उसके अंदर बहुत सारे दोष उत्पन्न हो सकते हैं, तो ये कहलाता है आपका एक वर्णी व्युत्पन्न। जैसे नंबर फर्स्ट इसका हो गया, परिशुद्धता की कमी, स्पष्ट नहीं दिखेगा, परिशुद्ध स्पष्टता की कमी, इसका हो गया नंबर फर्स्ट परिशुद्ध स्पष्टता की कमी, अच्छे से नहीं दिख पाएगा वो। ठीक है, परिशुद्ध स्पष्टता की कमी, कुछ न कुछ उसमें के अंदर कमी आ जाएगी जिसको अपन ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो आइए इसके अंदर अपन देखते हैं कि जब एक बिंब बिंदु द्वारा, जब एक बिंब बिंदु द्वारा लेंस द्वारा बने इमेज में, लेंस द्वारा बने, थोड़ी थ्योरी है जो मैं लिखनी पड़ेगी क्योंकि थ्योरी को आप नोट्स के अंदर रूप में, नोट्स के रूप में लिखिए तब जाकर आप सही कर पाओगे। अपन ने देखा कि जब एक बिंब बिंदु द्वारा लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, लेंस द्वारा बने इमेज में केवल केवल एक बिंदु नहीं होता, मतलब बहुत सारे इमेज बनेंगे, केवल एक बिंदु नहीं होता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे इमेज होंगे, अपन पता नहीं कर पाएंगे कि यहाँ इमेज कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब क्या होता है आपका अस्पष्ट होता है, तो इमेज अस्पष्ट बनता है। ठीक है, ये हो गया आपका परिशुद्धता की कमी। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे कि अपन एक ऑब्जेक्ट लिया और एक ऑब्जेक्ट से इमेज क्या बन रहा है आपका, इमेज आपका ध्यान से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद एक अपन पढ़ेंगे विकृति, इसका सेकंड पार्ट क्या हो गया, विकृति ऑब्जेक्ट वे इमेज के, ऑब्जेक्ट वे इमेज के आकार में असमानता होना, ऑब्जेक्ट वे इमेज के आकार में असमानता, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा, ऑब्जेक्ट वे इमेज के आकार में असमानता। ठीक
ठीक है, ये हो जाएगी आपकी विकृति। एक और देखेंगे अपन से क्षेत्र वक्रता, क्षेत्र वक्रता हो जाएगा आपका एक कर्वेचर ऑफ फील्ड, क्षेत्र वक्रता कर्वेचर ऑफ फील्ड, ठीक है। क्षेत्र वक्रता के अंदर क्या हो जाएगा कि इस दोष में ऑब्जेक्ट एक ही तल में हो, एक ही प्लेन में ना, प्लेन में, इस तल में, इस दोष में ऑब्जेक्ट क्या होता है एक ही तल में हो तो लेंस द्वारा बना इमेज, तो लेंस द्वारा बना इमेज भिन्न भिन्न तलों में होगा, भिन्न भिन्न तलों में होगा, क्लियर। ये हो गया आपका मोनोक्रोमेटिक एबरेशन, जिसके अंदर अपन तीन पॉइंट देखे। क्या क्या पॉइंट था? मोनोक्रोमेटिक एबरेशन यानी एक वर्णी विवर्तन किसे कहते हैं कि यदि एक वर्णी बिल्कुल मोनोक्रोमेटिक प्रकाश का उपयोग किया जाए तो इससे बने प्रतिबिंब की स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिसके अंदर दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ये कहलाता आपका एक वर्णी विवर्तन। वो एक से तीन प्रकार से हो सकता है। एक वर्णी विवर्तन एक हो गया, परिशुद्ध स्पष्टता की कमी, मतलब जब एक बिंब बिंदु द्वारा लेंस द्वारा बने इमेज में केवल एक बिंदु नहीं होता है, मतलब बिंदु एक था बिंब बिंदु लेकिन उसके इमेज बहुत सारे आपको शो हो सकते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है परिशुद्ध स्पष्टता की कमी। एक हो गया आपका विकृति, स्ट्रेन, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के आकार में असमानता, मतलब ऑब्जेक्ट अगर इस साइड का होगा तो इमेज आपका यह बन रहा है, यह बन रहा है, तो ये भी हो गया आपका एक प्रकार से दोष। या एक हो गया आपका क्षेत्र वक्रता यानी कर्वेचर ऑफ फील्ड, मतलब इस दोष में ऑब्जेक्ट अगर एक प्लेन में हो यानी एक तल में हो तो लेंस द्वारा बना इमेज अलग अलग तलों में होता है, एक तल में उसका इमेज नहीं बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक वर्णी विवर्तन। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विवर्तन, ये भी बहुत अच्छा है, जिसके अंदर पार्ट पढ़ेंगे अपने बहुत सारे, पॉइंट 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेंगे। तो सेकंड प्रकार है एबरेशन का, अपन पढ़ी क्या रहे, विपतन। विपतन दो प्रकार का होता है, एक वर्णी विपतन और वर्ण विपतन। सेकंड हो जाएगा वर्ण विपतन, क्रोमेटिक एबरेशन। सेकंड प्रकार क्या हो गया, वर्ण विपतन, क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है, क्रोमेटिक एबरेशन। वो तो था एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक, ये है सिर्फ वर्ण विपतन। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि कि श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर, श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर लेंस निकाय द्वारा बना प्रतिबिंब, लेंस निकाय द्वारा बना इमेज, श्वेत प्रकाश का, आप कौन सा प्रकाश उपयोग कर रहे हो, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर लेंस निकाय द्वारा बना इमेज भिन्न भिन्न कलरों में, भिन्न भिन्न रंगों में प्राप्त होता है। आप देखिए यहाँ पर अलग अलग रंग, प्रिज्म पड़ता नहीं पड़ता, प्रिज्म, जब आप किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हो तो वो सात रंगों में विभक्त हो जाता है, यही हो जाता है आपका वर्ण विपतन। मतलब आपने एक श्वेत प्रकाश ऑब्जेक्ट के रूप में गुजारा तो श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर लेंस निकाय द्वारा बना इमेज भिन्न भिन्न रंगों में प्राप्त होता है, इसे ही बोलेंगे अपन वर्ण विपतन कहते हैं। और अपन इसे बता सकते हैं कि एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, आगे पढ़ेंगे अपन हाइगेन नेत्रिका, पढ़ेंगे अपन, है ना, हाइगेन आईपीस, हाइगेन नेत्रिका, और क्या हो जाएगा इसका गोली विपतन, जो इसके आगे आ रहा है स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हाइगेन नेत्रिका अभी आगे अपन पढ़ेंगे, और एक आपका क्या हो जाएगा गोले विपतन हो जाएगा। तो
आज अपने क्या पढ़ा, जो आपका नया पार्ट था उसके अंदर अपने देखा विपथन क्या होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आपके आगे चलेंगे, इसलिए आपको ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है, हर एक पॉइंट आपको क्या करना है ध्यान से समझना है। तो अपने देखा आईपीस मतलब विपथन क्या होता है, एबरेशन मतलब एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज नहीं प्राप्त होना, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो इमेज में एक प्रकार से त्रुटि का प्राप्त होना, यही कहलाता अपना विपथन कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन उसमें देखा कि विपथन दो टाइप्स का होता है, एक वर्णी विपथन जिसको अपन बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक एबरेशन। एक वर्णी विपथन का मतलब यदि एक वर्णी प्रकाश का उपयोग किया जाए तो इमेज क्या होता है आपको भिन्न भिन्न रूप में प्राप्त हो जाएगा, कुल मिलाकर देखा जाए तो इमेज के अंदर त्रुटि पाई जाएगी, दोष पाई जाएगी, वो कहलाता है आपका एकवर्णी विपथन। एकवर्णी विपथन में अपने 3 पार्ट्स देखें, परिशुद्ध स्पष्टता की कमी आ जाएगी जिसके अंदर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इमेज से अलग अलग बनेगा, मतलब परिशुद्ध स्पष्टता की कमी, एक पॉइंट था उसका इमेज अलग अलग पॉइंट बन गया। फिर उसके बाद अपने सेकंड देखा विकृति, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के आकार में असमानता होना, दोनों सेम रूप में नहीं आएंगे। फिर अपन ने पढ़ा था थर्ड वाला क्षेत्र वक्रता, कर्वेचर ऑफ फील्ड। क्षेत्र वक्रता का मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट एक तल में स्थित है तो इमेज क्या होगा आपका अलग अलग भिन्न भिन्न तलों में बनता है, जो अपन ने देखा था क्षेत्र वक्रता होगी, ठीक है। और अपन ने देखा कि ये तो हो गया आपका एकवर्णी विपथन, फिर था दूसरा वर्णी विपथन, मतलब एकवर्णी विपथन में तो क्या है एकवर्णी प्रकाश का उपयोग, और इसमें क्रोमेटिक एबरेशन में क्या होगा श्वेत प्रकाश का उपयोग। यदि आप श्वेत प्रकाश का उपयोग करोगे तो लेंस निकाय द्वारा बना इमेज क्या होता है भिन्न भिन्न रंगों में प्राप्त होता है, वो कहलाता है आपका वर्णी विपथन, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे हाइगेन नेत्रिका और गोलीय विपथन दोनों पढ़ेंगे। गोलीय विपथन जस्ट आगे आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गोलीय विपथन, गोलीय विपथन कैसे होता है, फिर इसके गोलीय विपथन की अपन निराकरण की विद्या, अपन इसको कैसे गोलीय विपथन को कम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अपने को पढ़नी है, ठीक है। इससे पहले ध्यान रखिएगा आप जितने भी अपने टॉपिक पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाले पार्ट के अंदर कि जो आपका फॉर्मेट प्रिंसिपल होता है वहाँ उसका कैसे क्या रोल होता है, फॉर्मेट प्रिंसिपल उसके द्वारा, फॉर्मेट प्रिंसिपल द्वारा परावर्तन अपवर्तन नियम की अपन ने व्याख्या की थी। फिर अपन ने पढ़ा था कि लेंस द्वारा बना अपवर्तन फॉर्मूला, और उसके बाद अक्ष पर रखे हुए लेंस के लिए विचलन फॉर्मूला निकाला, दो दूरी पर रखे लेंस के लिए तुल्य फोकस दूरी, और कुछ अपन ने 6 पॉइंट पढ़े, प्रधान बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूटन फॉर्मूला ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा है, x1 x2 = f1 f2, ठीक है, न्यूटन फॉर्मूला आया था। फिर अपन ने इससे रिलेटेड कुछ रिलेशन पढ़े, आबे का ज्या प्रतिबंध, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने इससे पहले सारे कंप्लीट कर लिए। तो आप सारी क्लासेज जितनी भी अभी तक 19 जो पार्ट हो सके उन 19 ही पार्ट को आप अच्छे से कंप्लीट तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो आज का आपका क्वेश्चन हो जाएगा विपथन एबरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एबरेशन, आज का क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक्सप्लेन एबरेशन, ठीक है। सेकंड टाइप्स ऑफ एबरेशन, सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया आपका टाइप्स ऑफ एबरेशन, ठीक है। नंबर एक मोनोक्रोमेटिक एबरेशन, और एक क्या हो जाएगा आपका क्रोमेटिक एबरेशन, इनको आपको समझना है, क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एबरेशन क्या होता है उसके बारे में समझाइए, और एबरेशन के दोनों टाइप्स है, मोनोक्रोमेटिक एबरेशन किसे कहते हैं और क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना सही, अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।